बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का एक संदेश है अपने समाज के नाम, क्योंकि हमें सबसे निकृष्ट बना दिया गया, सबसे पिछला पिछड़ा बना दिया गया। इसलिए बाबा साहब ने अपने प्रयासों से जब हमारे प्राण प्रेरणा शुरू की तो एक बात कही थी, जो अब तक इस देश में अपने आप को सबसे ऊंचा मानते हैं, हमें ऊंची ऊंची उड़ान भरनी है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था। हम जीवन में जितने काम कर रहे हैं, बाबा साहब की ये शिक्षा हमें प्रेरित करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि समाज बटा हुआ है। बटा किस लिए है? बटा इसलिए है कि जिस व्यक्ति में कुछ करने का सामर्थ्य नहीं होता, वो करने वाले लोगों से ईर्ष्या कर बैठता है जी। और ईर्ष्या कर बैठने के बाद वो उसको सबक सिखाने निकल जाता है, और उसको ये भी भूल जाता है कि भाई ये इसको ऐसा सबक सिखाने के चक्कर में कि मेरा समाज तो पिछड़ा नहीं जाएगा। तो हमने सबसे पहले निर्णय ये लिया, ये हमारे साथी हैं अनिल जी और अपना भंडारी जी, ये पिछले करीब 40 सालों से हमारा इनके साथ रिश्ता है। मैं दिल्ली के भारतीय बौद्ध महासभा का अध्यक्ष रहा, 10 साल तक रहा, और जब मैंने पद छोड़ा, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, पद त्यागा, पद छोड़ा और ये घोषणा की कि मैं अब कभी भी पद पर नहीं आऊँगा। तो पिपल साहब आपने सही कहा कि समाज को वही व्यक्ति जोड़ सकता है ना जो पदों की दौड़ में नहीं है, समाज को वही व्यक्ति जोड़ सकता है जो सम्मान के लालच में नहीं है, वही व्यक्ति समाज को जोड़ सकता है जो अवार्ड्स के लिए इंतजार नहीं देखता है। आज समाज हमारी बात पर यकीन करती है। यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया में भी आपने देखा, आज दिव्य बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जो दिल्ली के बौद्ध उमड़े हैं जिस भरी तादाद में, वो भी आज आपने देखा। इसका मतलब ये है कि ये जो आज का कार्यक्रम हुआ है, इसकी कॉल दिव्य बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दी, उसका साथ चलने का निर्णय लिया यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया ने, समय प्रकाशन भी निकल के उनके समर्थन में आ गया, और आप देखिए भारतीय बहुजन महासभा वो इसके साथ में आ गई, नोएडा का एक संगठन है घर घर भी ज्ञान चर्चा, वो साथ में आ गई, कारवां बनता गया। अभी यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया में जो हमने अपना कार्यक्रम किया था, जिसने इंडिया के सबसे बड़े धार्मिक गैदरिंग का रिकॉर्ड बनाया, उसमें हमने बगैर छिपाए, बगैर पूछे, बगैर बताए 80 संस्थाओं के नाम लिखकर लगाए थे, और कहा था इन संस्थाओं ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है। आज अगर हम जुड़कर नहीं चलेंगे तो हम इसी तरह पिटते रहेंगे, लुटते रहेंगे, और जिस समाज के नेता अगर बिकते हैं ना, वो समाज के लिए वो नेता गुनाहगार नहीं है, वो समाज गुनाहगार है जो अपने बीच में ऐसे नेताओं को बिकता देखता है या ऐसे लोगों को बिकने के लिए तैयार होता देखता है। हम समाज बनाने निकले इतना खुद्दार और इतना ज़बरदस्त समाज बनाने निकले हैं कि वो अपने बीच में से ऐसे जो तत्व हैं उनको अंकुरित होने से पहले कुचल देगा। आगे आने वाला समाज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के अनुरूप चलेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। अपने कार्यक्रम पर मुझे पूरा भरोसा है, अपनी ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है, अपने साथियों पर मुझे पूरा भरोसा है। सर, सभी लोग, अधिकतर जो लोग हैं, अगर मैं सीधा सीधा कह दूं, लालची लोग कह रहे हैं जी काम करने, कहाँ काम करें, हम राजनीति में काम करें कहाँ करें। एक सर से मेरा क्वेश्चन हो गया, सर बाबा साहब को तो इतना बड़ा फील्ड है, कहीं भी काम कर सकते हैं, कह रहे जी उससे हमें क्या मिलेगा, मैं फिर आप चाहते क्या हैं? तो सर इस तरीके भी लोग हैं जो समाज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक ये आम बात है जो हमारा समाज का आम आदमी है, आम आदमी का मतलब आप ये समझो जो ट्रेंड नहीं है, जो जागरूक नहीं है, जिसके सामने समाज को उठाने का अरमान नहीं है, आप उनसे कहिए ये चला आज बुद्धा जयंती पार्क में चलना है, क्या डायलॉग निकलेगा, क्या फायदा? अब ये पता नहीं कि समाज बनता है, संस्कृति बनती है, गौरव बनता है, विरासत बनती है, वो क्या मिलने वाले डायलॉग से नहीं बनती, वो त्याग से बनती है। तो हमें त्याग का सबक अपने बच्चों को सिखाना है, अपने बच्चों को अनुशासित रहना सिखाना है, अपने बच्चे को जब समाज पर कुछ भी आन पड़े उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना, ये सिखाना है। जिस दिन हम समाज को ऐसा बना देंगे फिर देखते हैं ये बिकने वाले जितने लोग हैं, तालियाँ हमने बजाई और तालियों की कीमत इतने इन लोगों ने बटोरी, मैं एक एक का पूरा एक्स्ट्रा जानता हूँ, इसलिए ये लोग चाहे कहीं भी जाएं शांति स्वरूप बोध के सामने टिक नहीं सकते। मेरा इस देश के जितने भी सो कॉल्ड दलित नेता हैं, ये एक मीटिंग बुला लें दिल्ली में, एक तरफ शांति स्वरूप बोध का मित्र मंडल होगा, एक तरफ इनकी सरकार होगी, देखना किसके साथ हमारे लोग ज़्यादा जाते हैं। ये इनका असलियत है, ये इनकी वास्तविकता है, ये वहाँ गए हैं समाज का नेतृत्व करने नहीं गए हैं। अगर कोई ये सोचता हो ये नेतृत्व करने वाले नेता हैं तो वो गलत फहमी में है, ये वहाँ पर गए हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए। समाज पर अत्याचार होता है,
और ये गूंगे बहरे बने बैठे रहते हैं, धिक्कार है ऐसे नेता को। हमारे ऊपर हमारे हक छीने जा रहे हैं, हमें अधिकारहीन बनाया जा रहा है और ये कोठियों में गुलछर्रे उड़ाने में लगे हैं, धिक्कार है इनके नेतागिरी को। तो आज हम समाज बनाने निकले हैं, ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें की स्थिति में आएंगे तो वो अपने समाज की तरफ अपने साधन लगाएंगे, ना कि दुश्मनों को मजबूत करने में लगेंगे। सर आप आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील करना ये चाहते हैं, उसके लिए हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि आप अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाने और सकारात्मक रूप से काम करते रहें, नकारात्मकता को त्यागें, क्रियाशील बने, क्रिएटिव बने। मैं समझता हूँ ये छोटी छोटी वो बातें हैं, इन पर अगर हमने अमल करना शुरू कर दिया तो समाज भी बनेगा, कल को हम देश भी बनाएंगे, हम सरकार भी बनाएंगे। ये छोटी सी बात के पीछे सारे तत्व छिपे हैं।